चलते हैं बीजापुर, जहां पर सतीश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि बीजापुर में आज कौन कौन सी खबरें सुर्खियों में रहने वाली हैं। जी सतीश जी बताएं। अच्छा देखिए, मैं आपको बता दूं कि पूरे बस्तर संभाग में जिस प्रकार से नक्सलियों का जो तांडव है वो देखने को मिल रहा है। और आज जिस प्रकार से पीएलजीए जो वर्षगांठ है वो 2300 वर्षगांठ मना रहे हैं नक्सलियों के द्वारा, माओवादियों के द्वारा, और लगातार जिस पिछले एक सप्ताह से जिस प्रकार से तांडव देखने को मिल रहा है पूरे जिले भर और संभाग भर में, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो खेल नक्सलियों का खूनी खेल जो चल रहा है वो खत्म होने का सिलसिला नहीं ले रहा है। वही आप बात करें तो कल रात देर रात जो है तकरीबन हम जब मुरदुंडा ओपली से वापस होकर के रिटर्न आ रहे थे, लगभग 11 बजने को आया था, और उस वक्त हमने देखा कि रोड पे जो है मुरदुंडा से लेकर के अवापल्ली और अवापल्ली के दरमियान काफी जगहों पे जो है पर्चा फेंका गया था। उसके अलावा फिर जब हम और थोड़ा आगे निकल के आए तो अवापल्ली से बीजापुर जाने वाली जो रूट है, जो स्टेट हाईवे का रूट है, उस रूट पे भी मुर्गीनार के आसपास जहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर जो है एक कैंप पड़ता है, सीआरपीएफ का 170 बटालियन का कैंप पड़ता है, उस कैंप से 1 किलोमीटर पहले ही नक्सलियों के द्वारा पर्चे फेंके गए। और साथ ही साथ में बैनर, बहुत बड़ी मात्रा में बैनर, बहुत बड़ा सा बैनर लगा करके जो रोड को अवरुद्ध करने का भी प्रयास किया गया। बीचों बीच रोड के बैनर बांध करके उन्होंने अपनी जो उपलब्धता है उसको दर्शाने का प्रयास किया, लोगों में दहशत फैलाने का प्रयास किया। काफी हद तक जो है जिस प्रकार का माहौल जो रात में बना हुआ था वो देखने लायक था, क्योंकि आवागमन लगभग सभी जगहों से चल ही रही थी, गाड़ियां आना जाना कर ही रही थी, और शादी ब्याह का माहौल भी है, सीजन भी है। और इसी बीच में अगर जब पीएचए जो सप्ताह नक्सलियों के द्वारा मनाया जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक खूनी खेल होने का संभावना बनी रहती है। और उसी प्रकार जो पुलिस प्रशासन भी है लगातार जिस प्रकार से नकेल कसते हुए दिखाई दे रहे हैं नक्सलियों के ऊपर में, लगातार जिस प्रकार से कल हमने देखा कि मुठभेड़ हुई थी पिटे तुंगाली और बड़े तुंगाली के बीच में, मध्य पर एक पहाड़ पड़ता है वहां पर एक मुठभेड़ हुआ था जिसमें नक्सली भाग खड़े हुए और काफी सारी सामग्रियां जो है नक्सलियों के वो बरामद किए गए थे। उसके अलावा इन काफी दिनों में जो है काफी नक्सलियों का आत्मसमर्पण हो रहा है, कई नक्सली पकड़े जा रहे हैं, कई गिरफ्तार किए जा रहे हैं, तो इस प्रकार का जो खेल है वो लगातार जारी है जिले में। और कहीं ना कहीं ये पीएचए सप्ताह जो है वो बहुत बड़ा एक असर डाल सकता है, क्योंकि 23वां वर्षगांठ नक्सलियों के द्वारा मनाया जरूर जा रहा है, लेकिन यहाँ पुलिस प्रशासन भी सख्त मोड पर है, एक्शन मोड पर है और लगातार। जी सतीश जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।